हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्पिनच चीज़ समोसा। स्पिनच यानि पालक, इसको अरबी में शबानक बोलते हैं। ये पालक को हमने भून लिया है, थोड़ा पैन में तेल डाल दिया, फिर उसके बाद बारीक चॉप की हुई प्याज डाल लेके, ये पालक को बारीक काट लेके हम इसको भून लिए। खाली नमक थोड़ा डाले इसमें, थोड़ा हरा धनिया जीरा डाल के इसको भून लेके सूखा करके यहाँ पे रख लिए। फिर ये आटा लिए हम ऑलपर्पज़ फ्लावर, पर्पज़ फ्लावर लेके हम इसमें जैसे थोड़ा तेल थोड़ा नमक डाल के अच्छा मालिश कर लेके इसको 10 से 15 मिनट बना के इसे पेड़े बना लिए। फिर उसके बाद इसमें डालने के हम जैसे ये चीज़ लिए, देखो ये मुजरेला चीज़ है, ये चीज़ ले लेके हम इसके गोल ऐसे चपाती के सर का बना लेके, ये सांचा है, ये सांचा है, सांचे से कट कर लेके यदि हम यहाँ पे इसके समोसे बना के रख लिए। जैसे कितने अच्छे समोसे बने, देखो चीज़ समोसा इसको बोलते हैं, शबानक चीज़ समोसा। हम आगे क्या फ्राई कैसा करना है बताएंगे। देखिए हमने ऐसा चपाती बना लिया है, चपाती बना लिए बाद हमने ये सांचे में डाल लिया था, इसको सांचे में डाल लेके हम इसको ऐसा फोल्ड कर दिए। फोल्ड करे बाद ये ऐसा बन जाता है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से हमने सारे समोसों को बना लिया है। यही है देखो मोज़रेला चीज़, हमने जो इस्तेमाल की थी मोज़रेला चीज़, यही है वो। ये पूरे समोसों को बना लिया हमने, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें समोसे डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरे समोसे गरम गरम तेल में डाल दीजिए। ये ख़ास करके रमज़ान में बनाया जाता है, समोसे, मटन के समोसे हो गए, चिकन के समोसे हो गए, वेजिटेबल समोसे हो गए, चीज़ समोसे हो गए, ये रमज़ान की खासियत है। इसलिए ये मैं अब बना रहा हूँ, आप भी रमज़ान में ट्राई कीजिए या शाम के वक्त स्नैक्स में ट्राई कीजिए, बहुत बेहतरीन रहते हैं। देखिए इस तरह हम दोनों साइड लाल हो गए तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए ये समोसे एकदम लाल हो चुके हैं, अब हम इनको डिसोल्व कर लेंगे। देखिए कितने बेहतरीन हो चुके हैं। देखिए इन समोसों को हमने डिसोल्व कर दिया है, कितनी बेहतरीन इनका कलर दिख रहा है, इसका मज़ा भी उतना ही बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। आप भी ट्राई कीजिए और दुआ में ख्याल रखिए। मेरे चैनल को अगर समोसे अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।